हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज वो मंच, जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। यमुनानगर में एक्शन मोड में नजर आए शिक्षा मंत्री, अचानक से औचक निरीक्षण करने पहुंच के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में, और तीन शिक्षक जो नदारद मिले, जो आए नहीं थे, जो अनुशासन में नहीं दिखे, उन्हें कर दिया। अब सवाल कई उठते हैं कि इस तीन सस्पेंशन से क्या एक सख्त मैसेज जाएगा अध्यापकों के पास कि अनुशासन में आपको रहना होगा, नहीं तो इतनी सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ की जा सकती है। शिक्षा मंत्री की औचक निरीक्षण से क्या आएगा अनुशासन, सबसे बड़ा सवाल। क्या आप बदलेंगे सरकारी स्कूलों के हालात? सरकारी स्कूलों में गुरुजी समय पर क्यों नहीं आते हैं? विद्यालयों का औचक निरीक्षण कितना जरूरी? आपके इलाके में सरकारी स्कूलों के क्या हैं हालात? शिक्षकों को सस्पेंड करने से क्या सचेत हुए अध्यापक? आपके वहां पर किस तरह से सरकारी स्कूल संचालित हो रहे हैं? टीचर्स कब पहुंचते हैं? बच्चों को कैसे शिक्षा मिल रही है? ये जो तीन सस्पेंशन यमुनानगर में किए गए हैं, राजकीय माध्यमिक विद्यालय में औचक निरीक्षण करते हुए जो टीचर्स नहीं थे उन्हें सस्पेंड कर दिया शिक्षा मंत्री ने, इससे क्या फर्क पड़ेगा बताएं हमें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। सवाल ग्राफिक्स के जरिए भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप औचक निरीक्षण की इन तस्वीरों को देखते हुए सवाल भी पढ़िए, मैं दोहरा भी रही हूं, इसी का जवाब हम ढूंढ रहे हैं कि शिक्षकों को सस्पेंड करने से क्या सचेत हुए अध्यापक। आपके इलाके के हालात तो आप बेहतर बता पाएंगे, फोन कीजिए और हम तक अपनी आवाज जरूर पहुंचाइए। एक्शन में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर है हमारे साथ। ज्वाला प्रसाद इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ गए, भिवानी से इन्होंने फोन किया है। प्रसाद जी नमस्कार, बोलिए। नमस्ते बहन जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का। थोड़ा विषय बताएंगे बहन जी? ज्वाला प्रसाद जी, शिक्षा मंत्री के औचक निरीक्षण पर हम बात कर रहे हैं। यमुनानगर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में वो औचक निरीक्षण करने गए, तीन अध्यापक जिन्हें होना चाहिए था अपनी क्लास में वो नहीं थे, उन्होंने उन्हें सस्पेंड कर दिया। उनके इस सख्त एक्शन पर ही हम बात कर रहे हैं कि क्या अब सरकारी स्कूलों के हालात इससे बदलेंगे? क्या वो अध्यापक जो अनुशासन में नहीं हुआ करते थे वो सचेत हो जाएंगे? अब समय पर गुरुजी आएंगे क्या स्कूलों में? ये तमाम सवाल है जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। प्रसाद जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो सरकारी स्कूलों में इनको माननीय शिक्षा मंत्री जी से और सीएम साहब से मेरी विनम्र प्रार्थना है, सीसीटीवी कैमरे हर सरकारी स्कूल में लगाने चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी, दिल्ली का दिल्ली फीडबैक, चंडीगढ़ और दिल्ली प्रशासन के माध्यम से फीडबैक इनके पास पहुंचता रहे। और ये औचक निरीक्षण करते मानते हैं, लेकिन और ये कोई शिक्षा विभाग के अधिकारी हो या हेल्थ के हो, ये सिर्फ दिखावा करते हैं। हमने ये देखा कि मोस्टली औचक निरीक्षण करते हुए किसी को सस्पेंड कर दिया है, बस दो चारों को। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जीओडी गोड जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा के साथ साथ जीओडी गोड की एक फुल फॉर्म और भी होती है, गो ऑन ड्यूटी, अपनी निष्ठापूर्वक ड्यूटी पे जाइए। तो ये मैं तो ये कहना चाहूंगा कि विधानसभा और लोकसभा में 10,000 लोग, सबसे खतरनाक लोग मौजूद वहां पे हैं। अगर ये 10,000 लोग सुधर जाएं, तो ये 125 करोड़ जनता रातों रात अपने आप 24 घंटे के अंदर सुधर जाएगी। सुधार की प्रक्रिया वैसे भी ऊपर से होनी चाहिए, जैसे शंकर भगवान के हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो ऊपर से चढ़ाते हैं, तो सुधार की प्रक्रिया भी हमारे माननीयों से होनी चाहिए। ये खुद ही तो माननीय, हमने देखे कि भ्रष्ट कर्मचारी जो होते हैं, करप्शन भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, उनको तो टिकट मिलती है,
जिनके पास जनता का लूटा हुआ माल होता है वो उनको मोस्टली टिकट दी जाती है, जो अपराधी मामले दर्ज होते हैं उनको दी जाती है जनता के बीच में जाकर। फिर वो कहते हैं हम सुशासन का वादा करते हैं, अगर वो खुद ही भ्रष्ट हैं तो वो सुशासन कैसे मिलेगा जनता को? जनता को भी तय करना चाहिए, ये नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है तो ये चाहे किसी भी बीजेपी पार्टी का हो या कांग्रेस का या क्षेत्रीय दल हो, किसी भी पार्टी का हो, हम ये नहीं कहता, जनता को तय करना चाहिए, उसको नेगलेक्ट करना चाहिए। और आजकल के नेता ऐसे होते हैं कि 90 साल तक उनको लगाते रहो इलेक्शन, कभी पीछे नहीं हटेंगे, या तो फिर टिकट ऊपर से नहीं मिलेगी या जनता उसको साइड कर देगी तब वो राजनीति से संन्यास लेंगे। अभी सचिन तेंदुलकर ने 40 वर्ष की उम्र में संन्यास लेकर कितना एक उदाहरण पेश किया है, उसी तरह ज्वाला प्रसाद जी आपके इलाके में सरकारी स्कूलों के कैसे हालात आप देख रहे हैं? बच्चे जा रहे हैं या पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं? बहुत अच्छा बोलते हैं सर, थोड़ा सरकारी स्कूलों पर बोलिए। हाँ मैं ये कहना चाहूंगा बहन जी, हमारे जो बाबा पूर्णानंद जी का जो स्कूल बनाया हुआ है, एक तो अपने रिपोर्टर को वहां पे भेजिए एक बार, आज भी अगर कोई टीचर नहीं आता है तो यहाँ पे बायोमेट्रिक हाजिरी की जरूरत नहीं होती, वो तो एक दिखावे के रूप में है, बायोमेट्रिक हाजिरी तो एक दिखावा है। हमारे जो महंत ओमकारगिरी जी के महाराज जी के सानिध्य में शिक्षाविद, महान शिक्षाविद हैं, डेली फीडबैक अपने टीचरों की, स्टूडेंटों की, पूरे स्कूल का बायोडाटा वो अपने डेली शाम को फीडबैक लेते हैं, कौन टीचर नहीं आ रहा है, कभी अगर मान लो टीचर नहीं आ रहा तो खुद भी पढ़ाने के लिए स्कूल में चले जाते हैं। ये हमारे संत की, सबसे संत की पहचान है। और आज भी कलयुग में ऐसे स्कूल देखने को बहुत ही लाखों में एक मिलेंगे। और तो मैं तो ये दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बहन जी आपसे, अपने रिपोर्टर को एक बार हमारे स्कूल में, जब इस स्कूल में 50-60 गांव के बच्चे पढ़कर गए हैं और आज तक इस स्कूल में कभी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, सभी अभिभावक अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस करते हैं और शिक्षा का विशेष रूप से। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आगे भी जरूर फोन कीजिए, बहुत अच्छी बात है कोई अप्रिय घटना नहीं हुई तो अनुशासन होना चाहिए। राधे श्याम हमारे साथ जुड़ गए हैं, इन्होंने रेवाड़ी से फोन किया है। राधे श्याम जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, और होली मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया सर, आपको भी होली की शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से, बोलिए सर। हाँ जी मैं ये कहना चाहूंगा जी, जो जिन किया ना वो बहुत अच्छा किया है, ये बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन ये सब ना सारे के सारे कांग्रेस के बिगाड़ हुए हैं सारे के सारे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब आज उन्होंने थोड़ा सा किया है, कोई उसका पहल कर लेता है, कांग्रेस वाले उसके पक्ष ले जाते हैं, तो कुल मिला के ये है जी सही किया है इन्होंने, और अब धीरे धीरे अपना आप सुधर जाएंगे ये। चलिए बहुत शुक्रिया, एकदम सही कदम, ऐसे सस्पेंशन होने चाहिए, अगर कोई अनुशासन में नहीं रहेगा तो। सरकारी स्कूलों में औचक निरीक्षण पर कृष्णा शर्मा का क्या कहना है, हमारी रेगुलर कॉलर है, रोहतक से अक्सर फोन करती हैं हमें, इन्हें सुनते हैं। कृष्णा जी नमस्कार। हाँ मैडम जी, मैं इस विषय में यही कहना चाहूंगी कि ये जो औचक निरीक्षण किया है ना, ये मैं कहती हूँ कि मंथली या फिर ये पाक्षिक होना चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को इनको डिसाइड कर देना चाहिए, या उन्हीं में से जो भी शिक्षक, वो चार तो ईमानदार होंगे जो उसमें से, अगर पूरी टीम ठीक है तो ठीक है मैडम, उसमें से एक दो ईमानदार होता है टीचर, उनको ऐसी जवाबदारी दे के आनी चाहिए और उनसे ही वार्तालाप करते रहना चाहिए। इतने फोन चल गए आजकल तो, अब तो हम निरीक्षण वहाँ पे बैठे बैठे कर सकते हैं ये बड़े बड़े अधिकारी, और सरकारी स्कूलों की स्थिति अगर ये नहीं सुधारेंगे मैडम तो ये बिल्कुल ही पतन की कगार पे ही है, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल वाले मनमाना पैसा लूट रहे हैं, टीचर्स बेचारे 5-5, 10-10 हजार रुपए में इतनी मेहनत कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, और सरकारी स्कूलों में 80-80 हजार रुपए लेने के बाद भी ये मेहनत नहीं करते, खेतों में काम करते रहते हैं, वहाँ पे घर चले जाते, वहाँ साइन करके चले जाते, कई बार हफ्ते हफ्ते की साइन इकट्ठी करते आती है, तो मैडम ये बहुत ज्यादा बुरा काम है, क्योंकि बच्चों का पतन के गर्त में हम खुद ले जा रहे हैं, हम किस बात के शिक्षक है, सिर्फ हम वेतन भोगी टीचर बने हुए हैं, पैसा लिया और अपना काम चलाया घर का, तो मैडम इस प्रकार के निरीक्षण जैसे अब हुए ये थोड़े बहुत नहीं ज्यादा मात्रा में होने चाहिए, और एकाध अपना गुड फेथ वाला वहाँ व्यक्ति जरूर होना चाहिए शिक्षक, कि जो उनको जानकारी देता रहे, रोज की रोज फोन कर दे, एक बार किसी भी अधिकारी को फोन कर दे भी सर इस स्कूल में ऐसा हो रहा है, तो मैडम मुझे लगता है कि एक महीने से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, और सारे टीचर ड्यूटी पे जाएंगे, खुद डरेंगे कि ये व्यक्ति हमारी शिकायत लगा सकता है, बस इतना ही काफी है मैडम, मैं इस बात को बिल्कुल कहती हूँ
कि सरकार इस ओर ध्यान दे और अपना एक व्यक्ति वहाँ पे तैनात करे जो उनका अपना हो, चलिए स्कूल सुधर जाएंगे तो और गरीबों का फायदा होगा इसमें। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कृष्णा जी, आगे भी ऐसे ही फोन करते रहा करें, आप सबों का फोन कॉल से हमारे इस कार्यक्रम की सार्थकता है। गुरुग्राम से हमारे रेगुलर कॉलर राम जुड़ गए हैं। राम जी नमस्कार। अनामिका जी नमस्कार। नमस्ते सर, कहिए। मैं बताना चाहूंगा दोषी कौन, ये हमारी भारत की जनता भोली वाली है जी, समझती नहीं है इन नेताओं को। जो नेता कानून बनाकर भेज रहा है संसद में, अपना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और इस नेता ने सस्पेंड कर दिया, इन्होंने सस्पेंड कर दिया जिन्होंने कानून बना के भेजा, और वो कानून मेडिकल क्लेम दे रहे, मेडिकल बना के दे देंगे, वो मेडिकल मेडिकल को देख के नहीं और वो उसको बहाल कर देगा, एक महीना बैठ गया दो महीने विद पे बहाल होके आएगा, किसको नुकसान हुआ, जनता का। नेता जो मतलब है कि पांच पांच साल सरकार चला देते हैं, पांच विधायक कांग्रेस के राज में खरीद लिए थे और वो अवैध घोषित होने के बावजूद फिर वो सरकार पूरी मतलब है कि वो जब भी वो जिस उस सरकार के कार्यकाल में जितना काम हुआ जितने हुए सारे सस्पेंड होने चाहिए। इस जनता को समझना होगा, ये बेचारी भोली भाली जनता है, इसको जैसे कोई भटका दे उसी तरह भटक जाता है। होली की शुभकामनाएं देना चाहूंगा, लेकिन होली के बारे में फिर मैं विचार रखूंगा, हम हिंदू हो के नहीं, हम कितने भटक रहे हैं, कितना वो कर रहे हैं, प्रदूषण हम फैला रहे हैं, रो हम रहे हैं, सारे काम हम कर रहे हैं, इसलिए ये चीजें थोड़ी सी समझने की हैं। इनको जब तक नहीं समझेंगे और जिन्होंने लूटा है उसके बारे में सोचो, और उस ये जो आपको भटका रहे हैं आस्था के नाम पर, आस्था के नाम पर ठग रहे हैं, इन चीजों को समझने की जरूरत है। मैंने आपके साथ जोड़ दिया होली का भी ये। धन्यवाद, चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, और ऐसे ही आप सब भी फोन करने का सिलसिला जारी रखिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक। एक्शन में शिक्षा मंत्री हैं, औचक निरीक्षण पर निकल पड़े हैं। यमुनानगर में राजकीय माध्यमिक स्कूल में जब औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां पर तीन अध्यापकों में खामियां पाई जो मौके पर मौजूद नहीं थे। उन्हें अपने क्लासरूम में उस वक्त बच्चों को पढ़ाते होना चाहिए था, लेकिन जब नहीं मिले तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तीन शिक्षकों के सस्पेंशन से क्या आप बदलेंगे हालात? शिक्षा मंत्री के औचक निरीक्षण से क्या आएगा अनुशासन? क्या आप बदलेंगे सरकारी स्कूलों के हालात? दशा सुधरेगी क्या सरकारी स्कूलों में? गुरुजी समय पर क्यों नहीं आते हैं? विद्यालयों का औचक निरीक्षण कितना जरूरी है? आपके इलाके में सरकारी स्कूलों के हालात आप बेहतर बता पाएंगे। सूरज भान जी जुड़ गए हमारे साथ। सूरज भान, सूरज जी बोलिए। रामकाजी जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, बोले। मैम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये जैसे मुद्दा उठाते हैं जी, इसमें सूरज भान जी टीवी को सुनकर मत बात करें सर, फोन पर बोलिए, मैं आपको सुन रही हूँ, बात रखिए अपनी। हेलो, बोलिए सर, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। हाँ जी मैडम, मैडम एक ये हमारा एक, हाँ जी हमारा एक मुद्दा है। चलिए, ये तब होता है जब आप टीवी सेट को सुनकर रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सरल है, फोन पर जैसे आप औरों से बात करते हैं हमारे साथ भी वैसे ही बात करें ना, कि टीवी को सुने फिर रिप्लाई दे, एक लंबा गैप आ जाता है और ऐसे में संवाद स्थापित नहीं हो पाता। राम हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम जी बोलिए। रामगिरी ज्योतराम जी बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे जो शिक्षा मंत्री जी ने, इन्होंने जो टीचरों को सस्पेंड किया है, सस्पेंड करने से कोई फायदा नहीं है। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु नमः। हाँ। माँ तो 7 साल तक सीख देती है और गुरु जी 60 साल तक सीख देता है, संस्कार देता है, लेकिन आजकल के जो गुरु हैं कुछ चेंजिंग तो आया है। पहले वाले जो गुरु होते थे उन्होंने वाकई में एक अच्छी संस्कार वाले गुरु होते थे, अब तो काम चोरी थे। 70,000 रुपए सैलरी लेने वाले जो टीचर हैं, 70 बच्चे भी नहीं है जिन स्कूलों में। चलिए सर, आपने ये बात तो रख दी कि सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए था, तो जो नहीं आए थे पढ़ाने, जो अनुशासन में नहीं थे, क्या एक्शन लेना चाहिए था, थोड़ा ये भी बोल दीजिए जल्दी से सर, खत्म करना है।
एक्शन ये लेना चाहिए कि तीन बार, जैसे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तीन बार मंत्र सफल हो जाता है बोलने से, तो तीन बार इनको मौका देना चाहिए, तीन बार से गलती पार कर जाए इनके ऊपर स्ट्रिक्ट FIR दर्ज करो, नौकरी से हटा देना चाहिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा। चलिए बहुत शुक्रिया, यानी कि सख्ती बरती जानी चाहिए थी, नौकरी नहीं लेनी चाहिए थी। बहुत धन्यवाद आप सबों का, मैं धन्यवाद करती हूँ हरियाणा की आवाज इस मंच पर, आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा लेकर फिर हाजिर होंगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।